हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा छठवीं गणित के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम अध्याय 7 भिन्न के अंतर्गत प्रश्नावली 7 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखो यार, हमारे जो किताब है उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप दिया है और उनका उद्देश्य ये है कि आपको जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए उनको समझाया जाए, ठीक है। दूसरा चीज़, यहाँ पर अभ्यास भी दिया गया है, उनका भी उद्देश्य यही है कि इस पाठ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको आपको समझाया जाए, प्रैक्टिस कराया जाए, ठीक है। और वही जो उद्देश्य है यहाँ पर प्रश्नावली के, जब प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे तो पूरा हो जाएगा। इस कारण से मैं क्रियाकलाप और अभ्यास के प्रश्नों को हल नहीं करवा रहा हूँ, वैसे भी आपके टीचर उनको हल करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रश्नावली को हल कराता हूँ और जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इन प्रश्नों को हल करने के लिए उसको अपन इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। रही बात, एक दो अभ्यास ऐसे हैं जिनसे संबंधित प्रश्न इस प्रश्नावली पे नहीं दिया है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको सब चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है सदानंद देसलहरे, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथनों के आगे सत्य एवं असत्य कथनों के आगे असत्य लिखिए, असत्य कथनों को सुधार कर लिखिए, ठीक है। चलो देखते हैं पहला वाला प्रश्न को, ओके। यहाँ पर क्या बोलता है, 13/16 और 78/119 तुल्य भिन्न हैं। अपन को ये बताना है कि ये वाला सही है कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है यार, तुल्य भिन्न क्या है इसको अपन को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके आंसर को सही सही दे पाएंगे। हालांकि पिछला वाला जो वीडियो है उसमें मैंने तुल्य भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त करना है, इन सब चीज़ को बताया था, ठीक है। फिर भी एक बार और हम यहाँ पर तुल्य भिन्न क्या है उसको समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा, ओके। देखो यहाँ पर जो संख्या दिया है मैं उसी संख्या को ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 13 और ये 16 है, ओके। देखो यदि हम 13/16 के अंश और हर में समान संख्या का गुना करें, ठीक है, तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, यदि मैं अंश और हर में समान संख्या का गुना करूँ तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो ये नंबर है जैसे ये 13 और 16 है वो चेंज हो जाएगा, तो जो नया संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, इस संख्या का तुल्य भिन्न होगा। जैसे यहाँ पर मैं 2 का गुना कर देता हूँ ऊपर और नीचे में, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 13 × 2 = 26, 16 × 2 = 32। तो यहाँ पर ध्यान दो, 13/16 और 26/32 ये क्या है, तुल्य भिन्न है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ओके। 13/16 है, यहाँ पर अंश में और हर में, ठीक है। यदि हम 3 का गुना करें तो 13 × 3 = 39, 16 × 3 = 48। तो यहाँ पर 13/16, 26/32 और 39, सॉरी यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है, 39/48, ये सब आपस में क्या है, तुल्य भिन्न है, क्योंकि इनके जो एक्चुअल वैल्यू है वो सब बराबर है। जैसे यहाँ पर 13/16 है, इसको हम जो है कि 2 से भाग दे देते, 2 × 13 = 26, 2 × 16 = 32, यहाँ पर 13/16 आया। यहाँ पर 3 से भाग देंगे ऊपर नीचे को तो 13/16, यहाँ पर भी 13/16 आएगा। मतलब कि इनका जो सरलतम रूप है, एक्चुअल जो वैल्यू है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इस कारण से इन भिन्नों को हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। अब आते हैं हमारे इस प्रश्न में, हमारे इस प्रश्न में ये बोलता है कि क्या इस दो भिन्न के
जो सरलतम रूप है वो बराबर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट कैसे चेक करना है इसको समझेंगे, एकदम से इसको हल नहीं करते रहना है। कैसे चेक करोगे इसको समझिए, उससे संबंधित क्रियाकलाप दिया है अच्छा खासा समझाने के लिए, लेकिन अपन उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना, 13/16 है, ओके, ये हमारे पास है 78/119। देखो यार, 13 और 16 यदि आपस में कट सकता है तो पहले उसको आपस में काटो, ठीक है, नहीं करता है तो फिर इनके साथ क्या रिलेशन है उसको देखते। देखो 13 में यदि मैं 6 का गुना करता हूँ, 13 × 6 = 78 होता है, 13 × 6 क्या होता है 78 होता है, तो वैसा ही रिलेशन नीचे में भी प्राप्त होना चाहिए। यदि वैसा रिलेशन नीचे में प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर जो ये 13/16 और 78/119 बोल रहे हैं ये आपस में तुल्य भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भाई, 16 में यदि मैं 6 का गुना करता हूँ तो 6 × 6 = 36, ठीक है, हाथ में आया 3, 6 × 6 = 3 = 9, 16 × 6 = 96 होता है, 199 नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये दिया गया है ये तुल्य भिन्न नहीं है। अब हम आते हैं कि इसका आंसर को अपने कॉपी में कैसे लिख रहा है। ठीक है, तो यार आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो आपको दिया है ना, पहला नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथनों के आगे सत्य एवं असत्य कथनों के आगे असत्य लिखे, असत्य कथनों को सुधार कर लिखे, इसको आप अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप एक का एक, पहला का पहला ऐसा बोल के यहाँ पर जो दिया है उसको उतार लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको, चूँकि यहाँ पर आंसर को आपको सत्य असत्य में बताना है, यहाँ पर हल नहीं करना है, यहाँ पर हल नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे उत्तर, नीचे में लिखना भैया, ओके, ये जो कथन है वो क्या है असत्य है, तो अपन लिख देते हैं असत्य, क्या लिख देंगे असत्य। उसके बाद यहाँ पर सत्य कथन लिखेंगे, ओके, सत्य कथन 13/16 और 78/119 तुल्य भिन्न नहीं है, क्या लिखेंगे तुल्य भिन्न नहीं है, यहाँ पर ऐसा निशान लगा देंगे और ऐसा लिखेंगे, ओके। तो इस तरीके से इस वाले का आंसर आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट वाला को देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, 33/17 एक उचित भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि 33/17 एक उचित भिन्न है कि नहीं है, तो यहाँ पर हमें जानना होगा कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो यार, यदि हम भिन्न को दो तरह के भिन्न में बांटे, ठीक है, दो तरह के भिन्न बोला जाता है, एक होता है आपका उचित भिन्न, ठीक है, और एक होता है अनुचित भिन्न, हम उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं, अनुचित भिन्न, ओके। उचित भिन्न को सम भिन्न भी बोला जाता है, नाम याद रखना, ओके, और इसको विषम भिन्न बोला जाता है, एक और नाम है इसका, ठीक है ना भाई, सम भिन्न विषम भिन्न ऐसे दो तरह के भिन्न होते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, अंग्रेजी नाम भी याद रख लो, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इवन फ्रैक्शन, इवन फ्रैक्शन, और इसको बोला जाता है ऑड फ्रैक्शन, ओके। भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, भिन्न को अंग्रेजी में बोला जाता है फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, ओके, यहाँ तक क्लियर है, अब आगे समझो। तो यहाँ पर ये जो उचित भिन्न है और अनुचित भिन्न है उसकी पहचान कैसे की जाती है उसको सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद इनको उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्यों कहते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, देखो यार, यदि हम भिन्न को देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है आपका अंश और एक होता है हर, एक होता है अंश और एक होता है हर। यदि अंश बड़ा है, अंश बड़ा है और हर क्या है छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं
अनुचित भिन्न, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न, या फिर आप बोल सकते हो विषम भिन्न, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 13/4, 3/2, 25/16, यहाँ पर सभी जगह जो अंश है वो हर की तुलना में बड़ा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, अनुचित भिन्न कहलाएंगे। वहीं पर यदि हर बड़ा है अंश छोटा है, ये जो चिन्ह है वो क्या बताता है, जिधर इसका मुंडी है वो बड़ा और जिधर पूछिए वो छोटा, है ना। तो हर बड़ा है अंश छोटा है, ऐसे वाले जो भिन्न हैं उसको हम उचित भिन्न कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर 13 है तो नीचे में कम से कम 14 रहना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4, 5, 6 जो लिखना है लिख लो, 100 भी लिख सकते हो, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बराबर रहेगा तो भी नहीं चलेगा, उससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर 25 है तो नीचे में क्या होना चाहिए, 26, 27, 28, जो भी आप लिखना चाहो। जैसे मैं मान लो यहाँ पर 26 लिख लिया, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इनमें सभी जगह में जो हर है वो बड़ा है। तो यदि किसी भिन्न में हर बड़ा है, है ना, नीचे वाला बड़ा है, सिंपल शब्दों में बोलूं तो नीचे वाला यदि बड़ा है तो उसको हम उचित भिन्न कहेंगे, और ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो अनुचित भिन्न कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं एक सर्कल का, ठीक है। इस पूरे का मान है 1, यदि मैं पूरा का पूरा ले लिया तो मैं इसको भिन्न नहीं कहूँगा भाई, भिन्न कहूँगा क्या, क्योंकि जब हम लोग भिन्न संख्या बोलते हैं तो हम बोलते हैं यार कि भिन्न संख्या जो हिस्से का मान को बताए, जो हिस्से का मान है, हिस्से का मान को बताए। यहाँ पर तो आप पूरा ले रहे हो, फिर इसको हिस्सा कैसे कहोगे, तो पूरा का पूरा हो गया, है ना। तो इसको हम उचित भिन्न नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि 1/1 के रूप में हम लिख सकते हैं और ये अंश और हर के रूप में लिखा जा रहा है तो इसको हम भिन्न कहेंगे, लेकिन उचित भिन्न नहीं कह सकते, इस कारण से इसको नाम दिया गया अनुचित भिन्न। अब इसी तरीके से इसको थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, ओके, मैं इसको टोटल 4 हिस्सा कर देता हूँ, तो यहाँ पर हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा 4, ओके हर क्या हो जाएगा 4, 4 हिस्सा किए तो हर क्या हो जाएगा 4। अब 4 हिस्सा है, उनमें से यदि मैं एक हिस्सा को लेता हूँ, जैसे इसको ले लिया, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। अभी ये क्या है, एक हिस्सा है, और 1/4 क्या बता रहा है, हिस्से का वैल्यू बता रहा है। यदि मैं 2 ले लिया तो ये हो जाएगा 2/4, अभी भी पूरे का मान नहीं बता रहा है, अभी भी ये हिस्से का मान को ही बता रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका एक उचित भिन्न है। यदि मैं 3 ले लिया, उस समय भी कुछ चीज़ छूटा हुआ है, ये सिर्फ हिस्सा है, पूरा पूरा नहीं है, तो उस समय भी ये 3/4 भी क्या है, आपका उचित भिन्न है। लेकिन यदि मैं पूरा का पूरा ले लिया तो, पूरा का पूरा ले लिया तो यहाँ पर कुछ बचा क्या, तो इसको हिस्सा बोलना गलत बात रहेगा ना। पूरा का पूरा ले लोगे तो 4/4 हो जाएगा, और 4 को 4 से भाग दोगे यार तो उसका मान हो जाता है 1, ठीक है। मतलब अंश और हर दोनों बराबर हो जाएगा तो वो तो एक पूर्ण बन जाएगा, फिर वो हिस्सा नहीं रहेगा, है ना। लेकिन चूंकि ये अंश और हर के रूप में है तो इसको हम भिन्न तो कहेंगे, लेकिन कौन सा भिन्न कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे, और इनको क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। अब देखो, यदि मैं 5/4 को बताना चाहता हूँ, चित्र रूप में देखो, एक तो आपको पूरा लेना पड़ेगा, एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लेना पड़ेगा, 4 जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा लोगे, और एक आपको 1/4 और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि आप एक ही सर्कल के द्वारा नहीं बता पा रहे हो, आपको एक और सर्कल की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन यहाँ पर एक जो सर्कल है वो पूरा का पूरा ले रहे हो और एक जो है कि हिस्सा के रूप में ले रहे हो, है ना। ऐसे स्थिति में भी हम इसको उचित भिन्न नहीं कह सकते, ठीक है। भिन्न
एक संख्या के या फिर एक वस्तु के हिस्से को परिभाषित करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ छूटना चाहिए, कुछ ना कुछ छूटना चाहिए, पूरा का पूरा आपको नहीं लेना है। यदि आपने पूरा का पूरा ले लिया तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और यदि आपने एक पूर्ण ले लिया फिर उसके बाद एक आधा ले रहे हो या एक चौथाई ले रहे हो तो वहाँ पर आप एक पूर्ण वस्तु तो ले ही रहे हो ना, है ना। तो ऐसे स्थिति में हम उसको उचित भिन्न नहीं कहेंगे। सिंपल सा है इसकी पहचान, ओके। सिंपल सा पहचान क्या है, यदि नीचे वाली जो संख्या है मतलब कि हर है वो बड़ा है तो उसको उचित भिन्न कहेंगे, और यदि अंश बड़ा है तो उसको अनुचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। अब हम अपने जो प्रश्न है उसको किस तरीके से लिखना है उसको देखते हैं। यहाँ पर अपन को इस तरीके से प्रश्न को उतार लेना है, पहला का दूसरा, फिर नीचे में अपन को उत्तर लिखना है और फिर लिखना है, यहाँ पर ध्यान दो, सॉरी प्रश्न को मैंने गलत उतार दिया क्या, 33, ओके। तो 33/17 दिया है, यहाँ पर अंश जो है कि क्या है, बड़ा है हर छोटा है, तो ये जो है कि एक अनुचित भिन्न है ना, और यहाँ पर क्या बोल दे रहा है, इसको उचित बोल रहा है, इस कारण से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर असत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, और फिर नीचे में यहाँ पर सत्य कथन ऐसा लिखोगे और फिर उसके बाद डेस करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसा 33/17 एक अनुचित भिन्न है, क्या लिखेंगे, अनुचित भिन्न है, ओके, अनुचित भिन्न है, ये जो है कि सत्य कथन है। अब हम देखते हैं पहला का तीसरा वाला, ठीक है। यहाँ पर अपन को तुल्य भिन्न है कि नहीं है ये बताना है। तुल्य भिन्न के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया है तो यहाँ पर अलग से और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, प्रश्न को इस तरीके से लिख लेना है। अब देखो यार, यहाँ पर आप देख कर डायरेक्ट बता सकते हो कि तुल्य भिन्न है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखो 15 का पहाड़ा पढ़ोगे, 15 × 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 बार में 60 आ रहा है, ठीक है। तो 22 के पहाड़ा में 4 बार में 88 आना चाहिए, ओके। यदि अपन को पहाड़ा नहीं आता तो अपन क्या करेंगे, गुना करेंगे यार, और क्या करेंगे, है ना, पहाड़ा का दुश्मन गुना ऐसा नहीं बोलना है, ओके। देखो यहाँ पर 15 है और नीचे में क्या है, 22, यदि मैं इसमें 4 का गुना करता हूँ तो 15 × 60 होता है, ओके। वैसे ही यदि मैं इसमें 4 का गुना करूँ, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 22 × 88, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को प्राप्त हो रहा है, मतलब कि क्या है, ऊपर नीचे दोनों में 4 का गुना करने से यह प्राप्त हो रहा है। तो 15/22 और 60/88 क्या है, तुल्य भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर उत्तर लिखना और सिर्फ लिख देना है सत्य, क्या लिख दोगे, सत्य, और आपका आंसर कंप्लीट। पहला का चौथा वाला में दिया है 23/103 एक अनुचित भिन्न है। देखो यार, यदि हर बड़ा है अंश छोटा है तो वो उचित भिन्न होता है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये तो अनुचित बोल रहा है ना, ये क्या है, असत्य है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर उत्तर लिखेंगे असत्य, क्या लिख देंगे, असत्य लिखेंगे, ये जो कथन लिखा गया है ये क्या है, असत्य है। तो अपन को पूछा जा रहा है कि सत्य कथन क्या है उसको बताओ, ओके, असत्य बोल रहे हो तो सत्य कथन क्या है उसको लिखो। तो अपन लिख देते हैं 23/103 एक उचित भिन्न है, ओके। तो जो सही है उसको यहाँ पर लिख दो। चलिए देखते हैं पहला का पांचवा वाला, पहला का पांचवा वाला क्या कहता है, 13/3 को भिन्न के रूप में 4 सही 1/3 भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान दो यार, यहाँ पर जो ये 13/3 जो लिखा गया है ये भिन्न का सरल रूप है, ठीक है, सरल भिन्न बोलते हैं, और ये वाला जो भिन्न का रूप, इसको संयुक्त भिन्न या फिर मिश्र भिन्न रूप कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ओके। अब देखो ये जो 13/3 है ना, इसको जो अंश में है
उसको चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, नीचे में क्या है, तीन है, तीन का पहाड़ा पढ़ो और इसके पास पे पहुंचो। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, बारह में एक जोड़ोगे तो तेरह होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ चार गुना तीन, क्योंकि तीन चौक बारह, ओके, धन एक। कैसे पहाड़ा पढ़े ध्यान से समझो, ऊपर में तेरह है, नीचे में तीन है, तो नीचे में जो संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ोगे और इसके पास में पहुंचोगे। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, चार बार में पहुंचे, ठीक है। बारह के बाद एक जोड़ोगे तो तेरह होता है और तीन पंचे कर दोगे तो पंद्रह हो जाता है, जो कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर चौथा बार में बारह पहुँचेंगे तो तीन गुना चार, तीन चौक बारह, धन एक तेरह, ओके। नीचे में क्या है, तीन है। अब देखो ये जो बटे के बाद नीचे में तीन लिखते हैं उसको हम इस तरीके से, ये जो गुना वाला संख्या है उसके नीचे में और जो ये धन के बाद अलग से है उसके नीचे में लिख सकते हैं। इसको वितरण नियम बोलते हैं, जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वितरण नियम बोलते हैं, है ना, भाग का वितरण नियम। अब देखो यहाँ पर तीन और तीन कट जाएगा, क्या बच जाएगा भाई, चार धन एक बटा तीन। इस धन के चिन्ह को यदि मैं हटा के लिख दूं तो चार सही एक बटा तीन, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको चार सही एक बटा तीन ही लिख के दिया है, मतलब कि ये वाला जो कथन है वो क्या है, सत्य कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे सत्य, क्या लिखेंगे, सत्य। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला का छठो वाला, यहाँ पर अपन को जो कथन दिया है वो क्या दिया है, तीन बटा दो छोटा है, दो बटा तीन बड़ा है। इन दो संख्याओं में दो बटा तीन बड़ा है और तीन बटा दो छोटा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस क्या है, देखो यहाँ पर दो को तीन बराबर हिस्सा कर और यहाँ पर तीन को दो बराबर हिस्सा कर रहे हो, कौन सा बड़ा है। तो देखो यार, तीन को दो बराबर हिस्सा करोगे तो ज़्यादा बड़ा मिलेगा और दो को तीन हिस्सा करोगे तो छोटा मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कथन है कि ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, क्या है, असत्य है, ठीक है, क्या है, असत्य। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा से पढ़ लें। यदि आपको कोई भी दो संख्या दिया है, यहाँ पर तो अपन को तीन बटा दो और दो बटा तीन दिया है, कोई भी दो संख्या दिया है और आपको पता करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो क्या करोगे, क्या करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे तिरछा गुना कर देना। क्या करना है, तिरछा गुना कर देना है, मतलब इस तीन के साथ इसका गुना कर देना है, इस दो के साथ इसका गुना कर देना है। जैसे कि तीन गुना तीन, तो यहाँ पर आ गया नौ, दो और दो को करोगे तो दो गुणित दो करोगे तो चार। अब आपको ये देखना है यार कि नौ और चार में कौन सा बड़ा है, तो सिंपल सा है, नौ बड़ा है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है वो बड़ा है, ये वाला छोटा है, है ना। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, मतलब कि असत्य है। यदि आपको कोई दूसरा संख्या दे दिया, चलो मैं कोई दूसरा संख्या ले लेता हूँ जिसमें अपन इजिली गेस नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे ये सात बटे चार है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आठ बटे पाँच, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है अपन को पता करना है। क्या करना, तिरछा ऐसे गुना कर देना, क्या करना है, तिरछा गुना कर देना है। सात पंचे पैंतीस, सात पंचे पैंतीस, आठ चौक बत्तीस, कौन सा बड़ा है, पैंतीस बड़ा है बत्तीस छोटा है, है ना। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, सात बटे चार बड़ा है, आठ बटे पाँच छोटा, ओके। तो सिंपल सा तरीका है तिरछा गुना कर देना है। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। अपन ले लेते हैं तीन बटा चार, यहाँ पर ले लेते हैं चार बटा तीन, ओके। चलो ऐसे तिरछा गुना कर देते हैं, तीन और तीन हो जा रहा है नौ, चार और चार हो जा रहा है सोलह, कौन सा बड़ा है भैया, सोलह बड़ा है, ओके। मतलब कि ये वाला जो संख्या है वो बड़ा है, ये वाला क्या है, छोटा है, ठीक। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अपन को क्या लिखना है उत्तर में, यदि आपको कुछ हल वल नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है, तो तीन तिया नौ, दो दूनी चार, नौ वाला बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर दो वाला को बड़ा बोल रहा है तो असत्य, ऐसे आप लिख सकते हो,
तो यहाँ पर असत्य लिख देते हैं और फिर नीचे में लिखना पड़ेगा सत्य कथन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सत्य कथन, फिर डेस करेंगे, फिर यहाँ पर एस है, 3/2 ये बड़ा है, 2/3 छोटा है, ऐसे ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला का सात वाला। यहाँ पर अपन को क्या दिया है, देखो ऋण एक दिया है, 0.01 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 0.01 बड़ा है और ऋण एक छोटा है। देखो यार, हमेशा याद रखना कि ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती है, धनात्मक संख्याएं बड़ी होती है, ठीक है। यदि ऋण और धन वाली संख्या दिया है तो हमेशा याद रखना कि धनात्मक संख्या ही बड़ी होगी, ऋणात्मक संख्याएं चाहे कितनों भी बड़ा दिखे वो छोटा ही रहेगा। बड़ा दिखने का मतलब है, मान लो यहाँ पर बोल देता 100 है, ठीक है, और दूसरे साइड में 0.001 दिया है, और ये क्या है, धनात्मक है, और ये क्या है, ऋणात्मक है, तो उस स्थिति में भी ये जो पॉजिटिव वाला है वो बड़ा रहेगा, निगेटिव वाला क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कथन बोल रहा है कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ये बेचारा सत्य बोल रहा है ना, तो अपन यहाँ पर इसको ज़्यादा कुछ कंझट नहीं करेंगे, यहाँ पर सत्य लिख देंगे। चलिए देखते हैं पहला का आठवां वाला। पहला का आठवां वाला में क्या बोलता है, 0.2 × 0.3 = 0.6। चलो भाई, दशमलव संख्याओं को कैसे गुना करते हैं उसको देखते हैं। 0.2 है इंटू 0.3 है, ओके, सिंपल सा पहाड़ा पढ़ना है, 3 × 6, ठीक है। अब देखो याद रखना, यदि मैं इसके सामने में 0 लिख दूँ तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, तो हम पीछे से 2 संख्या गिनकर दशमलव लगा देंगे, 1, 2, और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, 0.6 दिया, मतलब कि ये जो कथन दिया है वो असत्य है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक और तरीका बताता हूँ, यहाँ पर तो उत्तर लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, और सत्य कथन क्या है, सत्य कथन है 0.2 × 0.3 = 0.06, ओके, ये वाला जो है, ये जो है कि सत्य कथन है ना। अब यहाँ पर जो अपन को दिया है ये वाला प्रश्न, ये कौन से पाठ में दिया है, भिन्न वाला पाठ में दिया है, किस में दिया है, भिन्न वाला में दिया है, तो इसको भिन्न तरीके से देखो यार, ये जो अपन को दिया गया है ये प्रश्न है ना, ये अपन को भिन्न वाला पाठ में दिया है, तो इसको हम भिन्न में बदल कर हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गुना उना सब का प्रश्न एक साथ दे दिया है ना, तो देखते हैं कैसे होगा बबुआ, ठीक है। ये 0.2 है, यदि मैं भिन्न में बदलूँ तो ये हो जाता है 2/10, ठीक है, और 3 को यदि मैं भिन्न में बदलूँ तो ये हो जाता है 3/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो 1 लिखोगे और 1 0 लगाओगे, यहाँ पर भी एक ही है तो नीचे में 10 लिखोगे, यदि दशमलव के बाद 2 संख्या रहता, छोड़ यार सब पंजाब नहीं करते हैं, है ना। चलिए अब हम आते हैं पहला का नौवा वाला में, ठीक है। 135/10,000 दिया है और यहाँ पर 0.0135 लिखा हुआ है, होता है ऐसा पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर 0 को ऐड कर दिया है ना, इस 0 का कोई विशेष वैल्यू नहीं है, ठीक है, कभी कभी जुबान लटक जाता है ना, तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका आंसर सही है गलत है आपको कैसे पहचान करना है, देखो 1, 2, 3, 4 ठोक 0 है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार संख्या है, उसके बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 0, इसको मैंने ऐड किया है, ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा 0 लगाया है वो क्यों लगाया है, क्योंकि अपन को दशमलव के बाद 4 संख्या चाहिए, यदि यहाँ पर 0 लगाते हो तो तभी जो कि ये 4 डिजिट यहाँ पर दशमलव के बाद आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो कथन है वो सत्य है, ओके, चलो लिख देते हैं सत्य
कथन। और यहाँ पर उत्तर भी लिखना है आपको, है ना। मैंने उत्तर नहीं लिखा है, ऐसा उत्तर लिखना है, फिर उसके बाद सत्य कथन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अपन को समझना है वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखो, ठीक। देखो यार, कोई भी संख्या है जैसे कि मान लो चार, और इसके बटे में दस लिखें, एक और उसके बाद एक जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4। जीरो है तो दशमलव के बाद एक संख्या आना चाहिए। यदि मान लो 44 होता और इसको हम 10 से भाग देते तो इसको हम लिखेंगे 4.4। जीरो है तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, ठीक है। यदि ये 4444 ऐसा रहता और बटे में 10 रहता तो हम इसको कैसे लिखते, 4444 पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक जीरो है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ आया, इसके आगे भी समझिए, ठीक है। यदि हमारे पास संख्या है ऐसे और बटे में है 100, यहाँ पर कितना जीरो है, दो जीरो है, तो पीछे से दो अंक के बाद दशमलव लगाना है। यदि यहाँ पर सिंपल सा 5 रहता और बटे में 100 रहता, 5 लिखे हो, यहाँ पर दो जीरो है तो यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या होना चाहिए, दो संख्या कहाँ से आएगा। देखो यार, जो ये 5 है इसके आगे में यदि मैं जीरो लिख दूँ इस तरीके से, तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। कब तक नहीं है, यदि इससे पहले, इन जीरो के पहले यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9 ऐसा कोई अंक नहीं लिखा है, तब तक इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम जीरो लिख सकते हैं अपने मन से, जितना चाहे उतना जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दशमलव लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पर दो जीरो है तो पीछे से दो अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, पीछे से दो अंक के बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ऐसा है और नीचे में 3 ठोक 0 है, तब क्या करोगे, 5 लिखें, 1, 2, 3, 4 ऐसा अपना मर्जी से लिख लो, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये दशमलव लगा दो, यहाँ तक क्लियर हो गया। 5, 5, 5, 5, 5 यदि यहाँ पर नीचे में 100 है तो क्या हो जाएगा, 5, 5, 5, 5, 5 पीछे से दो अंक के बाद आपको दशमलव लगाने, ठीक है। यदि ये नीचे में 1000 रहता तो यहाँ पर कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो अपन को क्या करना है, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ऐसे, ठीक है, क्लियर है। यदि 4 रहेगा तो पीछे से 4 के बाद, और यदि टोटल 4 अंक नहीं है, है ना, मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये 55 है और नीचे में ऐसा बहुत सारा जीरो है, ठीक है। कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको मैं लिख लेता हूँ ऊपर वाले को पहले, 5, 5, 5 कितना है, 1, 2, 3, 4 है, और अपन को क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो यहाँ पर 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर फिर दशमलव लगा दो। तो इस तरीके से आप जो है कि ऐसे वाले जो भिन्न हैं उसको दशमलव में बदल सकते हो। अब इसका उल्टा समझते हैं, अभी तक जो आप पढ़े हो उसका उल्टा करते हैं। देखो, दशमलव के बाद एक ही संख्या है और यहाँ पर जीरो है, तो इस 4 को यहाँ पर लिखो और बटे में क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, एक संख्या है तो 10 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर 4.4 है, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या, तो दशमलव को हटा देना है, 4 और 4 को 7 लिखोगे 44 हो जाएगा, और बटे में क्या लिखना है, 10 लिखना है। यहाँ पर भी वैसे समझो यार, देखो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या है ना, दशमलव को हटा दिए और बटे में क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। यहाँ पर देखिए, दशमलव है, 0 है, 5 है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अभी तक जो कॉन्सेप्ट समझे उसको उल्टा करते हैं, ठीक है। देखो,
अपन के पास यदि 0.4 है, ओके, 0.4 के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो अपन को क्या करना है, इस 4 को अंश में लिखना है और 10 लिखना है, एक ही अंक है तो 10 लिखोगे, ठीक है। यदि यहाँ पर ऐसा दे दिया है, 1, 2 अंक हो गए, तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखो और नीचे में क्या लिखोगे, 2 अंक है तो 100 लिखोगे। अब देखो यार, यहाँ पर इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इस कारण से हम इसको 4/100 ही लिखेंगे, ठीक। नीचे में चलो यहाँ पर देखो, 4.4 है, तो यहाँ पर 0.5 को हटाना है और इसको पास पास में लिख देना है, ऐसे 0.5 के बाद कितने अंक है, एक ही अंक है, तो यहाँ पर 10, 4, 4, 4, और यहाँ पर 0.5 लगा है। 0.5 के बाद कितने अंक है, 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 0.5 को हटाकर लिखो और नीचे में क्या लिख दो, 100 लिख दो, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, अब यहाँ पर 3 ही अंक है, इस 0 को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है क्योंकि अपन को यहाँ पर 4 अंक चाहिए 0.5 के बाद, ओके। चलिए देखते हैं पहला का 10 वाला, ठीक है। और चूंकि ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7 के इतना ही प्रश्न को लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर आंसर को तो अपन लिख देंगे, सही है कि गलत है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ओके। देखो यदि इस तरीके की संख्या है और यहाँ पर हम 10 का गुना करते हैं, यहाँ पर कितना 0 है, 1 0 है, तो यहाँ से एक अंक जो है कि 0.5 के इस पार चले जाएगा, मतलब कि ये वाला जो 0 है 0.5 के इस पार चले जाएगा और ये हो जाएगा 0.56, 10 का गुना करोगे तो। यदि मैं यहाँ पर 100 का गुना करता हूँ, यहाँ पर कितना 0 है, 2 0 है, तो यहाँ 2 नंबर 0.5 के इस पार चले जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर ये 0 इस पार जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, 5 आएगा इस पार और यहाँ पर रह जाएगा 6, ये दोनों जो है कि इस पार आ गया, चलो ऐसा 0 लिख देता हूँ, है ना, वैसे इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 5.6। और जब हम यहाँ पर 1000 का गुना करेंगे तो 3 डिजिट 0.5 के इस पार आना चाहिए, मतलब कि 1, 2, 3, ये पूरे जो है कि इस पार आएगा, जब पूरा आ जाएगा तो 0.5 का ज़रूरत ही नहीं है, है ना। देखो यहाँ पर 1000 का गुना कर रहे हैं तो 1, 2, 3, ये तीनों डिजिट 0.5 के इस पार आ गए, मतलब कि ये 56 बन गए, तो ये वाला जो कथन है वो क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है, ठीक है। चलो इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और घुस जाते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर 10,000 का गुना करते हैं, यहाँ पर कितने 0 हैं, 4 0 हैं, जब ये बाहर आएगा, ये पूरा का पूरा बाहर आएगा तो 0, 5, 6 इतना ही आएगा। अब ये तो 3 डिजिट हुआ, चौथा डिजिट कहाँ से लाएं, तो देखो 0.056 इसके बाद ना बहुत सारे 0 हैं, लेकिन चूंकि इसके बाद 0 के बाद 1, 2, 3 है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई अंक नहीं है, इस कारण से इन 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यदि यहाँ पर कोई भी इनमें से अंक आ जाता तो इन सब 0 का वैल्यू हो जाता, ठीक है, लेकिन नहीं है तो नहीं है, है ना, तो क्या करें, इस कारण से उसको नहीं लिखें। अब देखो इनके साथ हम जब 10,000 का गुना करेंगे तो ये जो 4 डिजिट है 0.5, 6, 0.0000, अब 0.5 के बाद 0 0 रहने से उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, है ना, इस कारण से इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5, 6, 0, ओके, क्लियर है। वैसे ही मान लो 0.56 है, इसके साथ हम यदि ऐसा गुना करते हैं, चलो एक और 0 कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर 3 डिजिट जो है कि बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 बाहर आने बोल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे अपने मन से 3 0 जोड़ देंगे। यदि यहाँ पर 7 रहता तो 1 0 और जोड़ देते, 8 रहता तो 1 0 और जोड़ देते, 9 रहता तो 1 0 और जोड़ देते, समझ आया कॉन्सेप्ट, ठीक है।
इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा, है ना। सीखने मिला होगा तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।